नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही चमत्कारी गुणकारी पौधा जिसको हम लोग थूहड़ यानी सीहूर के नाम से जानते हैं, इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस पौधे में जड़ से लेकर पत्तियां कांटे तक में औषधीय गुण कूट कूट कर भरा पड़ा है। दोस्तों, इस पौधे को हिंदी में थूहड़ सेहूर मुठिया, अंग्रेजी में कॉमन मिल्क हेज, उर्दू में जाकुम, पंजाबी में गांगीचू तथा गुजराती में इसे थोर या काटोलो भी कहा जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह पौधा जड़ से लेकर फंगी तक कांटों से भरा होता है। इसकी कई सारी जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि तीरधारी, चतुरधरा, पंच कष्ट और विषधरा। दोस्तों, इस थूहर में कहीं भी कट लगाने पर इसमें से दूध निकलता है और इसी दूध का प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है। दोस्तों, इस थूहर के आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। इसके प्रयोग से गंजापन की समस्या को ठीक किया जा सकता है। पुराने से पुराने खांसी की समस्या हो, पुराने से पुराने बवासीर की समस्या हो, उसको भी इसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। साथ ही इसके प्रयोग से स्किन के मस्से को भी हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बारी बारी से जानेंगे इसके प्रयोग विधि के बारे में। इसमें से सबसे पहला है गंजापन की समस्या को कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस थूहर के दूध को निकालकर इसमें समान मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करके गंजापन वाले स्थान पर मसाज करना है। गंजापन की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इसके बाद है दोस्तों, इस थूहर के प्रयोग से पुराने खांसी को कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस थूहर के दो पत्ते को तोड़कर आग में हल्का गरम करके इसके बाद इसको अपने हाथों से मसल कर इसका रस निकाल ले। अब इस रस में हल्का नमक मिलाकर इसका सेवन करें। आपका खांसी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इसके बाद स्किन के मस्से को हटाने के लिए थूहर के दूध को निकालकर मस्सों वाले स्थान पर लगाना होगा। मस्सा भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पुराने से पुराने बवासीर को ठीक करने के लिए इस थूहर के दूध को निकालकर इसमें समान मात्रा में हरदी मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को बवासीर के मसों पर लगाएं। बवासीर भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।